काफ़ी मेहनत के बाद 215 किलोमीटर राइड के बाद ओनली ब्रेकफास्ट 2 बिस्किट खाने के बाद इधर आके टेंट पिच करने के बाद खाना बनाने के बाद हम लोगों का जो तसल्ली मिल रहा है, मतलब जो स्मेल आ रहा है ना, उसी में आधा पेट भर रहा है। ये है हमारे लिए एक मैट्रेस है जो ऑटो एयर इन्फ्लेटर है। इसके अंदर हम लोगों को एयर देने का भी ज़रूरत नहीं है। दिखाता हूँ, हम लोग न्यू परचेस किए। ये है एयर देने का जगह। हाथ से नहीं तो पैर से प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक एयर जाएगा उसके अंदर। सो वैसा होता है, वेट जैसा पूरा यार से भरा हुआ है। आपको लगेगा नहीं, आप टेंट में हो, आपको लगेगा घर का बेड में अभी सो रहे हो। उसके साथ अलोंग विद दैट उसके साथ दो पिलो भी है, तो पिलो लाने का भी ज़रूरत नहीं है। साथ में एग्स भी है, ये खाने का पैकेट जहाँ पे सारे खाना हम लोग इधर कैरी कर रहे हैं। और ये है कपड़ा एंड लाइट का पैकेट, लाइट का। और इधर है एग्स रखा हुआ है और ऑयल। ये हमारा स्टोव, क्या बस हो गया। ये क्लीन करने का सामान, पानी और थोड़ा चाहिए। पानी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला 10 लीटर का है। अभी लगता है 5 लीटर ही पानी देखे गया भैया ने, और 5 लीटर लाना है। इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर लेके आते हैं। अभी खाना भी बनाना है, फटाफट खाना रेडी करते हैं। खाने का पाउच हमारा। दोस्तों अभी का टाइम हो रहा है 1:30 एंड सुबह से ओनली 1 बिस्किट खा के मैं रह चुकी हूँ, तो इसीलिए मतलब खाना बना भी नहीं अभी तक। मतलब टेंट सेटअप करते करते सब कुछ सेट करते करते हम लोगों को हो गया लेट। अभी बनेगा खाना। भूख को मिटाने के लिए हम लोगों को अभी बिस्किट खाना पड़ेगा फिर से। एंड इसके साथ साथ हम लोग खाना बनाने के लिए सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। मैं चॉकलेट खाता हूँ, तेरे लिए है चॉकलेट? ना, एक ही है, मैं खाता हूँ। यहाँ से व्यू भाई साहब कितना जबरदस्त है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, देखो पूरा बादल छाया हुआ है। सो दोस्तों खाने में आज बनेगा चिकन करी एंड उसके साथ राइस, जो हम लोग फर्स्ट टाइम बनाएंगे बाहर एक्चुअली कैंप के बीच। सो अभी लेके आई हूँ 500 ग्राम्स जैसे चिकन लेके आई हूँ एंड राइस भी है। खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है सब कुछ लेके आ गए, बस अभी बनाने की देरी। पहले काम करते हैं, ये चावल जो है ना इसको भिगो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ये चावल को पहले मैं ठीक से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर जैसा। तो जल्दी बन जाएगा हमारा राइस। अभी चावल को कर दिया साइड, अभी प्याज वगैरह काटना है जितना जो ज़रूरी चीज़ है चिकन बनाने के लिए। ये मैं देखो चिकन लेके आई हूँ, 500 ग्राम्स चिकन है इसमें, और तेल वगैरह सब कुछ है हमारे पास। ये सरसों का तेल लेके आई हूँ एंड ये है हमारा गैस सेटअप, ये है हमारा स्पेशल नाइफ एंड स्पेशल कैंपिंग नाइफ, इसीलिए स्पेशल बोला। एंड ये सब कल का चीज़ है। तो प्याज कितना चाहिए? जितना है 3 दे दे। 3 चाहिए? अच्छा 1, 2, 3 चल जाएगा। टमाटर लेके आई हूँ, और क्या है, लहसुन कितना लगेगा? 2 लगेगा, एक एक बड़ा वाला देती हूँ। ग्रीन मिर्ची, अच्छा ये होगी चिली, सॉल्ट निकाल लो, सॉल्ट को भी
मसाला का ये हमारा मसाला का पाउच लगने वाला है, नींबू ये भी लगने वाले है, और क्या और कुछ नहीं चाहिए अभी तेरे को इतना ही। तो अभी सेट करना है गैस को, स्टोव को हमारा छोटा सा कैंपिंग स्टोव। जहाँ पे बनेगा हम लोग का खाना, छोटा छोटा पैर पर काम जबरदस्त करता है। हाँ काम, लेकिन जबरदस्त फ्लेम आता है इसका, कोई बड़ा गैस से कम नहीं है। सो कौन सा गैस, ये भारी वाला है। हाँ ये वाला यूज़ किया था हम लोग पहले कैंपिंग में। इसको दांत से ही खोलना पड़ता है भाई हर टाइम, मेरा हाथ से नहीं होता है पता नहीं क्यों, इतना जिम करके भी हाथ से नहीं हो रहा बोले तो। सेट हो गया, इसको साइड में रख देता हूँ। सो अभी हम लोग चालू करेंगे कटिंग, ऑनियन से चालू करेंगे। सिपर्णा हमारा कुक है और मैं हूँ हेल्पर। हर टाइम घर में भी ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है, चिकन कौन बनाता है? चिकन ही बस तू बनाता है। ठीक है चलो कटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो राइस बन रहा है अभी, चावल पक रहा है इधर, और गैस में थोड़ा हवा वगैरह लग रहा था बिकॉज ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो ऐसे हम लोगों ने लाइक गार्ड किया इसको ओवन को। देखते हैं कितना टाइम लगता है राइस होने तक। सो दोस्तों राइस पक चुका है हमारा, ये थोड़ा लाइक इसको ढक के रख देती हूँ मैं, मतलब 95% ये हो गया, बाकी 5% के लिए साइड में रख देती हूँ। सो ये गया सरसों का तेल, हम लोग सरसों तेल से बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल से, उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा आता है मुंह में लगता है, बाकी दूसरा तेल से मज़ा नहीं आता है उतना। ये लहसुन ऑनियन मिर्चा टमाटो सब है, अभी चालू करेंगे कुकिंग। हवा चल रहा है सही में, इसको दिया हो गार्ड हमारा। कुछ अदरक लहसुन सब कुछ डाल दिया मैंने, मसाला सब डाल दिया इधर, अभी पानी के साथ मिलाना है इसको। जो चिकन का स्मेल आ रहा है वो लाजवाब है, अभी तो मेरा भूख और बढ़ गया है, तो खाने में क्या होगा मुझे पता नहीं, खाने में तो बहुत टेस्टी होने वाला है मेरे ख्याल से। सो अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है, चिकन भी अंडर प्रोसेस है और सिपर्णा भी अंडर प्रोसेस है। ये जा रहा है हमारा चिकन मसाला, वाह सही स्मेल है। सो अभी तक अंडर प्रोसेस है हमारा चिकन, एंड अभी का टाइम हो रहा है 2:40 एंड आफ्टरनून। इंस्टाग्राम का रील अपलोड हो रहा है, स्टोरी भी अपलोड हो रहा है, तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तो फटाफट कर लो, आप लोगों को स्टोरीज वगैरह जल्दी मिल जाएगा। क्लीनिंग भी चल रहा है साथ साथ में, जितना जल्दी हो जाएगा तो उतना ही अच्छा है, थोड़ा खाना पाना खा के थोड़ा रेस्ट भी करना है। स्मेल काफ़ी बढ़िया आ रहा है, अभी ये ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा ये पानी को सूखने के लिए देते हैं, उसके बाद खाएंगे आज का लंच। सो अभी है लंच टाइम, काफ़ी मेहनत के बाद 215 किलोमीटर राइड के बाद
ओनली ब्रेकफास्ट 2 बिस्किट खाने के बाद, इधर आके 10 पिच करने के बाद, खाना बनाने के बाद हम लोगों का जो तसल्ली मिल रहा है, मतलब जो स्मेल आ रहा है ना, उसी में आधा पेट भर रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है खाने में, और ऐसा नेचर के साथ और भी मज़ा आता है। रैम्बो ठीक 10 का पीछे ही पार्क है। सो अभी राइस कहाँ पे, राइस ये हुआ राइस। हमारा इन बिल्ड पिलो विद बेड रेडी है यहाँ पे सोने के लिए। जस्ट खाना खाना है, थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद थोड़ा पानी डाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो क्लीन करने के लिए बाद में हम लोगों को ही परेशान झेलना पड़ेगा। ये है मेरा प्लेट। अमृत जैसे लग रहा है, सिर्फ हड्डी बचा है और कुछ नहीं। सब अंदर गया। इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। ऊपर से ये नेचर के बीच में खाने का जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ नहीं। बहुत टेस्टी, उंगली चाट चाट के खाया मैं। सो हो गया, पैक हो गया हमारा जो था, एंड क्लीन भी हो गया बर्तन। वो दिखाया नहीं यार, बर्तन क्लीन किया दिखाना है। नहीं दिखाया। सो ये हो गया, अभी पैक करके रख देंगे। अभी थोड़ा सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद सोचेंगे क्या कर सकते हैं। अभी जो है फ्रेश होके नहा लिया, अभी बहुत फ्रेश लग रहा है। अभी टाइम टू स्लीप, थोड़ी देर सो जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:45 तक, 1 घंटा सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे एंड थोड़ा भ्रमण में जाएंगे, आसपास में देखेंगे, एंड उसके बाद आगे पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:30 इन द इवनिंग। सो बहुत ही ज़बरदस्त नींद हुआ, मतलब इतना राइड करने के बाद, इतना अच्छा खाना खाने के बाद, इतना अच्छा मतलब एटमोसफियर में नींद तो अच्छा होना ही पड़ेगा। एंड हम लोग, हमारा जो कैंपिंग लाइट है उसको फिक्स कर दी ऑलरेडी, एंड अभी हम लोग को जाना है बाहर। कैंप फायर आई थिंक लग चुका है बाहर, सो कैंप फायर का मज़ा लेते हैं एंड आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। अभी अभी बाहर गए थे एंड बाहर आते ही स्टार्ट हो गया बारिश, तो फिर से हम लोग टेंट के अंदर आ गए। एंड थैंक गॉड हम लोग बाहर से, लाइक हमारे पैनियर्स में लैपटॉप था, तो बेसिकली हम लोग को एडिट करना है कुछ ब्लॉग्स वगैरह, तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी फटाफट हमने लैपटॉप कैरी करके लेके आए। एंड बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आप लोग को आई थिंक साउंड सुनाई दे रहा है थोड़ा बहुत। सो दोस्तों डिनर हो गया कंप्लीट। डिनर में था चपाती एंड उसके साथ चिकन करी। तो अभी हम लोग ऐसे ही मतलब डिनर कर रहे थे, बट ये हाथ धोने के लिए आए, बट ये पूरा जगह मिस से भर गया फिर से। सो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गया अचानक से।
फिर से जबरदस्त बारिश स्टार्ट हुआ, कितना जोर से बारिश हो रहा है। एंड हम लोग जब बाहर थे पूरा क्लाउड मतलब नीचे आ गए थे, तो हम लोग बेसिकली क्लाउड में थे। वो अभी सुन सकते हो आप लोग कितना जोर से बारिश हो रही है। एंड हम लोग अभी बैठे हैं टेंट के अंदर। चिकन सूप, सुबह से एक किलो चिकन खाया हमने। एक लाइट ये वाला थोड़ा पावर कम हो गया, दिखाता हूँ, थोड़ा कम हुआ है। और एक गोप्रो का ऊपर लगा हुआ है। एंड ये दो तीन चार, हमारे टेंट में पूरा दिवाली चल रहा है, दिवाली। और बाहर चल रहा है बारिश, जबरदस्त बारिश, इतना बारिश हो रहा है साउंड सुन के पता चल गया होगा। लेकिन एक लास्ट पॉइंट ये है, एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है टेंट के अंदर, तो मज़ा आ रहा है। अभी तक तो पानी नहीं आ रहा है, भगवान का कृपा से। तो रात में भी प्रे करते नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना सारा गैजेट सारी जगह में फैला हुआ है, वो नहीं तो बर्बाद हो जाएगा हम लोगों का। तो चलो अभी फटाफट चिकन सूप जो भी है ख़त्म करते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। और क्या करेंगे, नेटवर्क भी नहीं है फ़ोन में ज़्यादा। तो डिनर हो गया, सूप भी हो गया, बारिश भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी वीडियो एडिटिंग भी थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बारिश इतना तेज़ हो रहा था। अभी नींद भी आ रहा है ज़बरदस्त, मैं दोपहर में सोया भी नहीं हूँ, उतना नींद मुझे नहीं आया था। मैं फ़ोन आ रहा था बार बार, तो फ़ोन में थोड़ा बिजी था। सो अभी टाइम है सोने का। सो अभी का टाइम कितना हो रहा है, 11 बज रहा है। तो जल्दी जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह फिर उठना है, उठ के ब्रेकफास्ट भी करना है एंड इतना सारा सामान को पैक करके फिर लेके भी जाना है। सो जल्दी जल्दी सो जाता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और चैनल में फर्स्ट टाइम कनेक्टेड रहते हो देखो हमारा चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ, ऐसे ही निकल मत जाओ। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में। तो आज के लिए इतना ही, जो बाकी चीज़ है नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड हो जाएगा। तो ये सीरीज़ पूरा देखने का कोशिश करो और प्रीवियस सीरीज़ भी देखने का कोशिश करो। हम लोग केरला एक्सपीडिशन किए थे, जहाँ पे हम लोग हिल से लेके सी सब कुछ घूमे हैं, 4-5 दिन के अंदर, 5-6 दिन का ट्रिप था, जहाँ पे हम लोग कैंपिंग भी किए, बहुत कुछ हुआ। तो वो ब्लॉग में जाके चेक कर सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट ब्लॉग भी आने वाला है, नेक्स्ट सीरीज़ भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।